कल्याणपुरी थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सवारियों को सस्ते किराए का लालच देकर गाड़ी में बैठाता था और उनसे लूटपाट करता था। कई लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने इस गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक संतोष नाम के पीड़ित ने 31 मई की सुबह शिकायत दी थी कि गाजीपुर फ्लाईओवर के पास से संतोष जब गुजर रहा था तो खिचड़ीपुर के पास एक स्विफ्ट डिजायर आई और उससे जाने के लिए पूछा, जिसके बाद उसे कार में बैठा लिया और फिर गाड़ी को कई घंटे घुमाया। उसके बाद उससे एटीएम और मोबाइल लूट लिया, साथ ही उसके एटीएम से 82,000 रुपए भी निकाल लिए। आपको बता दें कि टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने दो आरोपी समेत वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद कर ली है। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र एवं सोहुल के रूप में हुई है, जो त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं।